दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और छत्तीसगढ़ पूरे भारत में अपनी लोक कला, नृत्य कला, अलग अलग तरह के रहस्यों और अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में महानदी, खारून नदी, शिवनाथ नदी जैसी नदियाँ यहाँ बहती हैं और यहाँ इन नदियों को बहुत ही अलग तरह का सम्मान दिया जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी है जो कि रायपुर में स्थित है। दोस्तों इन बड़ी बड़ी नदियों के पानी को रोककर रखने के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग जानोगे छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा बड़े डैम्स के बारे में, जिसे जानने के बाद आप लोग वहाँ घूमने के लिए ज़रूर जा सकते हो। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों इस लिस्ट में आता है मुसिल्ली डैम जो कि छत्तीसगढ़ में धमतरी में है। दोस्तों यह डैम धमतरी जिला में सिरियाली नदी के तट पर बनाया गया है। दोस्तों यह डैम छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और यह काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसे देखने में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इस डैम को ब्रिटिश शासन काल में बनाया गया था। दोस्तों इस लिस्ट में अगले नंबर पर है हसदेव बाघो डैम जो कि कोरबा में स्थित है। इस डैम को मिनी माता हसदेव बाघो डैम भी कहते हैं। दोस्तों यह डैम कोरबा जिले के हसदेव नदी के तट पर बना हुआ है और यह डैम भी छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और यह बहुत ही बड़ा है। यह पर्यटकों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह में से एक है। इस डैम में आप लोग जरूर घूमने जा सकते हो। यहाँ की आसपास की एरिया को भी बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है। दोस्तों यह डैम पहाड़ों के बीच में बना हुआ है और यहाँ के आसपास का दृश्य काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। यह डैम काफ़ी ज़्यादा ऊंचा और लंबा बनाया गया है। इस डैम से कोरबा शहर और वहाँ के प्लांट में पानी जाता है। दोस्तों इस लिस्ट पर अगले नंबर पर है गंगरेल डैम जो कि धमतरी में स्थित है। दोस्तों यह डैम धमतरी सिटी के पास में ही स्थित है और इस डैम को छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा भी कहा जाता है। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। यहाँ आप लोगों को नई नई चीज़ें देखने को मिल जाएगी। पिकनिक स्पॉट के लिए बहुत ही अच्छी जगह में से एक है। ये डैम महानदी के तट पर बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा और लंबा है। इस डैम में आप कभी भी घूमने के लिए जाओगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलेगा, क्योंकि यह डैम छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों इन सभी डैम में से आप लोगों का मनपसंद डैम कौन सा है, आप लोगों को सबसे अच्छा डैम कौन सा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।